हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। फ्रेंड, सड़क के निर्माण के दौरान, सड़क के कंस्ट्रक्शन के स्टार्टिंग से लेके जब आपकी सड़क, रोड या हाईवे कंप्लीट हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी सर्वे करते हैं, जो भी इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इन सभी का एक सोफिस्टिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन आपका कहलाता है ITP, जिसे हम इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान भी बोलते हैं। तो इसके बारे में और हम आगे समझ लेते हैं कि ITP होता क्या है। द इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान इज टू बी कंसिडर्ड एस ए समरी ऑफ इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर ए करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन एंड एस एन इंटरफेस डॉक्यूमेंट फॉर द सब कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर ऑनर एंड एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न टू क्लैरिफाई द रिलेवेंट इंटरवेंशन एंड ड्यूटीज। देखो फ्रेंड, बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है, चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर हों या ओनर हों, आपकी हर पार्टी की एक पर्टिकुलर ड्यूटी बनती है कि वो जो सड़क का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका इंस्पेक्शन करे, उसका चेकिंग करे, उस पर जो क्वालिटी कंट्रोल के टेस्टेज हैं वो करे। तो ITP यही है कि आपकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग जो आपके स्टैंडर्ड हैं, जो आपके पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपने वर्क किया है, उस वर्क को आपको एक डॉक्यूमेंटेशन करना है, एक समरीज उसकी बनाना है। तो यही जो समरी है वो हमारी कहलाती है इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। तो इसको हम एक PDF की हेल्प से भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, तो कि आप जब भी आप ITP रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहेंगे तो वो आप ओके फ्रेंड। तो जैसा कि आप इस PDF में देख पा रहे होंगे, ये PDF हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही हमारे फ्रेंड ने शेयर की है, जिसमें इन्होंने इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान को प्रोवाइड किया है, ठीक है। एज ए कॉन्ट्रैक्टर साइड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो इस PDF की हेल्प से आप समझ सकते हैं। सबसे ऊपर प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने लिख दिया है। फिर हम चलते हैं कॉलम बाई चलते हैं। सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर 1, जिसमें हमने 1, 2, 3 को मार्क कर लिया है। फिर है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन्स जो भी वर्क हैं या जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आपको एलिमेंट्स में लिखना है। इसके बाद इंस्पेक्शन स्टेज, ठीक है, यानी जो आप इंस्पेक्शन करेंगे वो किस स्टेज पर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अगले कॉलम में लिखना है क्वालिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट, यानी जो स्टेज है आपके जो वर्क की जो स्टेज है उस स्टेज पर क्या क्वालिटी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं और किस इंस्पेक्शन, किस टाइप का इंस्पेक्शन वहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो वो आपको कॉलम नंबर 4 में लिखना है। फिर लिखना है मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑब्लिक स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है समझिए कि जो भी आपकी स्टेज है, उस स्टेज पर मान लीजिए अर्थवर्क का काम मेरा चल रहा है या एक्सकेवेशन चल रहा है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस पर जो इंस्पेक्शन करना है, मुझे टेस्टिंग करना है, तो उस टेस्टिंग के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना होता है। वो या तो IRC का स्टैंडर्ड हो सकता है, मोर्थ के स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं या IS स्टैंडर्ड हो सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस अल्टरनेट या किस स्पेस के बाद आपको एक टेस्ट आपको फिर से दोहराना है। जैसे मान लीजिए मैं किसी भी एग्रीगेट का ग्रेडेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास मान लीजिए 50 ट्रक एग्रीगेट या 250 क्यूबिक मीटर, 300 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट मेरा कलेक्शन है, तो उस एग्रीगेट की पर्टिकुलर क्वांटिटी पे कितने टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो हमारी कहलाती है टेस्ट फ्रिक्वेंसी। फिर अगले कॉलम में हमें लिखना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी कि जो आपने टेस्ट किए हैं उस टेस्ट के जो रिजल्ट आपको मिले हैं वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो वो हमें लिखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में, यानी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में दिखाना है। तो सीरियल नंबर 1 से हम समझते हैं फ्रेंड। सेटिंग आउट एंड सर्वे इंस्पेक्शन स्टेजेस में हम यहाँ लिखेंगे बिफोर स्टार्टिंग अर्थवर्क एंड कमेंसमेंट ऑफ डिसमेंटलिंग। देखो सेटिंग आउट ऑफ सर्वे कब होता है, जब सेटिंग आउट ऑफ सर्वे जो है, सेटिंग आउट एंड सर्वे आपकी सबसे पहली एक्टिविटीज होती है रोड पे किए जाने के लिए। रोड की कंस्ट्रक्शन करने के पहले आपको सेटिंग आउट करना होता है, जिसमें आप रोड की चैनेजिंग करते हैं, रेफरेंस पिलर्स लगाते हैं और TBM वहाँ पर फिक्स करते हैं। तो ये आपका सेटिंग आउट एंड सर्वे में ये एक्टिविटीज आती है। इंस्पेक्शन स्टेजेस में क्या होता है फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग अर्थवर्क और कमेंसमेंट ऑफ डिसमेंटलिंग, यानी कि अर्थवर्क मिट्टी का काम शुरू करने के पहले और किसी भी स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं उनको अपनी
जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस पोजीशन से हटाने के पहले आपको ये वर्क करना होता है सेटिंग आउट ऑफ सर्वे का। मान लीजिए आप रोड बनाना है और रोड पे कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनी हुई है, एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर बना हुआ, पुल बना हुआ है, तो जो सेटिंग आउट ऑफ सर्वे है वो आपको उस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, पुलिया है या बिल्डिंग, उसको डिसमेंटल करने के पहले ये वर्क करना होता है। अब क्वालिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट एंड इंस्पेक्शन, सेटिंग आउट ऑफ सर्वे में क्या क्वालिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट हमें ज़रूरी होते हैं, तो इसमें हमें क्या करना फ्रेंड, वेरीफाई चेनेज, चेनेज का वेरिफिकेशन करना है, यानी जो रोड की जो चेनेजिंग है, जो लेंथ है, उसको वेरीफाइड करना है कि इस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बताया कि जो रोड का जीरो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे 500 मीटर पर मुझे कोई पुल बनाना है, कोई पुलिया बनानी है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसको वेरीफाइड करूँगा कि जो उन्होंने 500 मीटर दूर मुझे मेंशन किया है वो वाकई में 500 मीटर है या नहीं, तो ये वेरिफिकेशन ऑफ चेनेजिंग हो जाती है। अलाइनमेंट का कंफर्मेशन करना होता है कि जो रोड मेरी अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट पर ही रोड मुझे मिल रही है नहीं मिल रही है। एक्स सेक्शन मीन्स क्रॉस सेक्शन को वेरीफाई करना है और लेवल को वेरीफाई करना है, यानी जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है वो मुझे वेरीफाई करने होते हैं। मेथड ऑफ टेस्टिंग क्या होता है सेटिंग आउट ऑफ सर्वे के लिए, तो वो है स्टैंडर्ड सर्वे प्रैक्टिस जो कि मोर्थ में दी हुई है आपको, और अगर अर्थक्वेक एम्बिगमेंट के लिए बात करें तो आपको ये IRC 10 में भी मिल जाती है। फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूअल, यानी कि जो रेंडमली इसको आपको चेक करना है, जहाँ पर एवरी 10 मीटर पे, वैसे हम जो सर्वे वर्क है वो करते हैं तो इंटरवल, रेगुलर इंटरवल या प्रत्येक 10 मीटर पर आप इसको कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फ्रेंड जो हमारी ड्राइंग है, स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएंगे। सेकेंड है एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन इंस्पेक्शन स्टेज रहेगी फ्रेंड, कैरिंग आउट सेटिंग आउट वर्क फॉर दी दैट सेक्शन, ठीक है। क्वालिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट इंस्पेक्शन वेरीफाई फिनिश्ड फाउंडेशन लेवल, ठीक है। एक्सकेवेशन क्यों करते हैं, एक्सकेवेशन मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जहाँ तो बिल्डिंग की बात मैं नहीं करूँगा, रोड की बात करूँगा, रोड के लिए स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उसको आप कॉलम पियर बनाना है, पाइल बनाना है, तो उसको पहले आप क्या करना होता है, उसको खुदाई करना होती है, खुदाई एक पर्टिकुलर लेवल तक आपको करना होती है। तो जो खुदाई आपने की है उस खुदाई आपको जो लेवल लेनी है या जो आपको उसकी डेप्थ रखनी है खुदाई की, वो डेप्थ आपको मिल गई है या नहीं मिली है, तो वो आपको वेरीफाइड फिनिश्ड फाउंडेशन लेवल आपको करना होते हैं। स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग है लेवलिंग। फ्रीक्वेंसी ईच डिफाइंड चैनेज, जिस चैनेज पर आपको डिफाइंड किया है, जहाँ पर आपको पियर लेना है, अबटमेंट लेनी है, या जो भी रिटर्न वाल की आपको फुटिंग लेनी है, तो वो चैनेज आपकी डिफाइंड है, उस चैनेज पर आपको चेक करना होता है। नंबर थर्ड है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट में क्या करना फ्रेंड, इंस्पेक्शन एट सोर्स फॉर बोरो मटेरियल। एम्बैंकमेंट के लिए सबसे पहले तो आप जो मटेरियल रहेगा, सोर्स ऑफ मटेरियल है, उसके लिए सबसे पहले आपकी जो बोरो क्वेरी है उसको आपको इंस्पेक्शन करना है, वहाँ पे टेस्ट करना है ग्रैंड साइज एनालिसिस का, एटरवर्क लिमिट का, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, फ्री स्वेलिंग इंडेक्स, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, डिलीट्रियस कंटेंट, ये सारे आपको क्वेरी मटेरियल को कलेक्शन करके टेस्ट करना होते हैं। स्टैंडर्ड टेस्टिंग स्टैंडर्ड आपको IS 2720 के Part 4 से लेके Part 27, Part 40, Part 5 इसमें आपको मिल जाएंगे। टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको IS कोड में मिल जाएगी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आपको IS कोड में मिल जाएंगे। फ्रेंड अगर देखा जाए जो ITP आप बनाएंगे तो ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और डिटेल्ड प्रोग्राम आपका रहता है, जिसमें बहुत सारे आइटम, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना होते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में अगर मैं देखूं तो काफ़ी बड़ी ये वीडियो हो जाती है फ्रेंड। तो इस वीडियो में जैसे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, सबसे पहले सेटिंग आउट ऑफ सर्वे रहेगा, फिर एक्सकेवेशन रहेगा, फिर एम्बैंकमेंट रहेगा, इसके बाद सबग्रेड एंड अर्दन शोल्डर आपको बनाने होते हैं, फिर ग्रेनुलर सबबेस का कंस्ट्रक्शन करना होता है, इसके बाद है सीमेंट ट्रीटेड बेस, CTB बेस आपको, अगर आपकी जो DPR है या जो आपके कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन उसमें CTB आपने लिया है, तो आपको CTB के लिए भी ITP का मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेस्टिंग करना पड़ेंगे CTB मिक्स के लिए, बेटी मिक्स मैकेडम के लिए भी बनाना होगा आपको, प्राइम कोड, टैग कोड, डेंस बिटुमिनस मैकेडम, बिटुमिनस मैकेडम, जो भी आइटम, जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है वो सारी आपको इस ITP में देना होगी, बिटुमिनस कॉन्क्रीट। और इसके बाद हम चलते हैं
पेव्ड क्वालिटी कंक्रीट जो आप सीसी पेमेंट कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें भी आपको आईटीपी का जो आईटीपी की जो रिपोर्ट है वो आपको प्रिपेयर करनी होती है। कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट कंक्रीट के लिए। तो फ्रेंड अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए है, क्योंकि वीडियो में इतना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो वीडियो में समझाना पॉसिबल थोड़ा टफ है, तो मैं जो आपको पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से इस टेबल को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको स्टडी कर लीजिए कि आईटीपी आप कैसे प्रिपेयर करनी है। लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को अगर डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपको ये पीडीएफ भी वहाँ पर ईजिली मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलता हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही, फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए टाटा टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। ओके फ्रेंड, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।